देवा का परिवार शंकर जी के मंदिर के लिए निकल गया है। मौत के घाट उतार दो सबको। हाय, हमारे आदमियों ने उन सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है। बच्चा हो या औरत, ऐसी मौत देना कि चीथड़े भी ना मिले। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, सुन लिया? एक भी। भाई आप चिंता मत करो, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि यमराज भी नहीं पहचान पाएंगे। रंजीत मेरे फोन का जवाब नहीं दे रहा, क्या हो गया है उसे? भाई आप चिंता मत करो, बस 2 मिनट दो, मैं देवा के खानदान का नामो निशान मिटा दूंगा। बता 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 क्या हुआ, जल्दी बता, देवा के पूरे परिवार को मार डाला ना, बता, बोल साले, बोल ना। मेरा परिवार ठीक है, I'm just gonna buy it. I'm gonna get 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 it. I'm gonna get
लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम यहां मत रहो, उनको पता नहीं चलना चाहिए तुम यहां हो, पीछे छुप जाओ। कौन गाड़ी देने को मना किया? कौन है? वो रहा। ओए, साले अंडे में और इतना तेवर। ए अमर, उस बच्चे ने क्या किया, उसे क्यों मार रहे हो? क्या रे करीम, गाड़ी देने को मना क्यों किया? तुम कार का गलत इस्तेमाल करते हो, इसलिए हमने नहीं दी। हमें परेशान मत करो। ऐसा क्या, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है क्या? तुम नहीं चाहते हो क्या तुम्हारा ट्रैवल एजेंसी का धंधा ठीक ठाक चले? हाँ, कल से गाड़ी भेज देना। चलो साहब। भाई, उस दिन बार में जो आपके बारे में पूछ रहा था, वो लड़का इधर ही खड़ा है। एए, गाड़ी रोक, पीछे ले, पीछे ले। वो रहा उधर। एए, उसको यहां ले गया। उसने क्या किया, उसे क्यों बुला रहे हो? वो तो अभी चेन्नई से आया है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। बेचारा ये तो अपाहिज है। तू क्यों उसकी इतनी तरफदारी कर रहा है बे? ए, उसको ले क्या? सुना है वो मेरे बारे में पूछताछ कर। ए, चल बे। कौन है सर? बहरा है क्या साले? चल। पता चला ये अपने भाई को ढूंढ रहा है। अमर, देखो इसे जाने दो, इसने कुछ नहीं किया है, प्लीज। तू हट ना करी। अरे तू हट ना करी बीच में से। कहां से आया बे तू? तेरे भाई के बारे में तुझे क्या जानने का है? बैग में क्या है रे? बैग दे। इसमें कुछ नहीं है। बैग दे इधर प्लीज। hey, देख इसमें क्या है। तुमने इसको बताया नहीं, इसका भाई मर चुका है। अभी तक तो पानी में कीड़ों ने उसको खाकर हजम कर लिया होगा। मैंने तेरे भाई को मारा, मैंने, समझा? तेरे को भी ठोकू? अमर नहीं, नहीं। इसी बंदूक से तेरे भाई को भी मारा था, समझा? समझा इसे करीम, समझा इसे। मरे हुए मुर्दे जिंदा नहीं होते कभी, इसीलिए थोड़ा ठंडा ले, वरना मेरी हट गई ना तो यहीं पे ठोक दूंगा। देख कितना गुस्सा आ रहा है इसे। एक काम कर यार, इसकी भाई की खोज यही खत्म कर दे, इसे भी उसके पास भेज दे। थोड़ा दे साले को। नहीं अमर, इसे जाने दो प्लीज। उसे छुड़ाओ कोई, उसने कुछ नहीं किया है, छोड़ो। गाड़ी स्टार्ट कर। उसे जाने दो, छोड़ो उसे। नहीं, उससे कहो उसे नहीं मारे, छोड़ो उसे, छोड़ो अमर, नहीं। Raju by Raju. Hey,
गेट पे ताला लगा दे, कोई भी बच के जाने न पाए। कर देगा। मैं राजू हूं, मेरी मौत का फैसला मैं करूंगा, तेरी मौत का फैसला भी मैं करूंगा। धोखेबाज राजू, अगर उनको पता चल गया कि तुम आ गए हो तो खौफ के मारे ही मर जाएंगे। जो मेरी असलियत जान गए थे वो अब नहीं रहे। जब तक मैं ये ना जान लूं कि असली गद्दार कौन है, तब तक मैं राजू नहीं, कृष्णा। इसे राज ही रखना। मेरे अड्डे पर रेड मारने की हिम्मत कैसी हुई तेरी? अरे धंधे का एपीसीडी मैंने सिखाया तेरे को, मिनिस्टर बन गया तो मेरे ही सिर पे नाचेगा? हाँ? इस धंधे में कुछ भी परमानेंट नहीं, कभी कभी चेला गुरु बन जाता है।
बैंगलोर छोड़ दो। इस पूरे बैंगलोर पर मेरा ही राज चलता है, समझा क्या? जब तेरा बाप डॉन था तो बैंगलोर इतना सा था, अब बैंगलोर फैल चुका है। वक्त वक्त की बात होती है। कल तुम इस कुर्सी पर बैठे थे, आज मैं इस कुर्सी पर हूँ। अब तुम खुद ही देख लो। कल तक मैं एक छोटा मोटा चोर था, राउडी था, और अब इस देश का चोर बन गया हूँ, मंत्री बन गया हूँ मैं। मंत्री होके सड़क साफ गुंडों की तरह हफ्ता वसूली कर रहा है? छी 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 छी। अपने लिए नहीं, अपने बेटे के लिए करता हूँ। वो आज ही रशिया से लौट रहा है। क्या करूँ, मजबूरी है, पुश्तैनी धंधा है, छोड़ने का मन नहीं करता। ये बुढ़ऊ कौन है? डॉन है ये, बैंगलोर का डॉन। पापा ने जिस तरह से इंट्रो दिया था, मुझे लगा कि 50 बड़ी बड़ी गाड़ी और 100 पर्सनल गार्ड्स के साथ एक लंबा चौड़ा खतरनाक आदमी होगा, लेकिन ये चिरकुट तो साला किसी कार्टून चैनल का जोकर लगता है। ए, औकात में रह के बात कर, पता है तू किससे बात कर रहा है? दादा, वीरू दादा। शहर का दादा कम, ये पोतों का दादा ज्यादा लगता है। साथ में भाड़े के टट्टू लेकर घूमने से और मुंह में फॉरेन की बीड़ी रखने से कोई डॉन नहीं बन जाता। मैं तेरी दादागिरी पर थूकता हूँ। तेरे बाप जैसे 10 मिनिस्टर जेब में लेके घूमता हूँ मैं। शाना बन रहा है क्या? तो आया अपनी मर्जी से, लेकिन जाएगा अपुन की मर्जी से। आज से बैंगलोर का डॉन कौन? क्रिश। कौन? क्रिश। वंस मोर क्रिश। आपको क्या लगता है? क्रिश। तो फाइनल, आज से दादागिरी छोड़ने का और अपने परपोतों के लिए एकदम झकास झूला घर खोलने का। अगर ये बात मेरे बेटे को पता चली ना, तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देगा वो। बेटा बुलाओ। कौन बेटा बे? सॉलिड थी रे, पर तू है ना गलत एड्रेस पे दरवाजा खटखटाया। जो जगह जगो की खोपड़ी को भा जाती है, वही जगो का एड्रेस बन जाता है। वे कहीं और जाके अपनी खटिया बिछा। अबे मेरी खटिया बिछाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, तुझे तो मैं यहीं पर गाड़ दूंगा। ए चमन चिंदी, तू क्या कब्रिस्तान का ठेकेदार है? जब यहाँ से हवा गुजरती है ना, तो वो भी अपन को सलाम ठोक के गुजरती है लुखे, और तू मुझे ठोकेगा? मुर्गे के सर पर ताज हुआ तो क्या हुआ, हलाल तो वही चोता है। असली ताज तो राजा के सर पे ही शोभा देता है। चल सॉरी बोल। अगर नहीं बोला तो क्या कर लेगा? आया तो तू खुद चल के, भेजूंगा एम्बुलेंस में। अबे तू मुझे मारने की धमकी दे रहा है साले। Oh!
तेरी गोलियों के धमाके जग्गू के लिए दिवाली के पटाखे हैं। जग्गू दहाड़ भी दे तो तेरी आने वाली सात पुश्तें बहरी पैदा होंगी। प्यार से मांगता तो इतनी मार ना पड़ती। अगर मेरे इकलौते बाप के बीच में फिर से टांग अड़ाई तो यहीं काट दूंगा। आंखें फाड़ मत वरना चड्डी फाड़ दूंगा। मंत्री जी का है तो हर फैसला। मैं आज ही इस्तीफा दे दूंगा। शाबाश, पैसा और सत्ता तुम्हें मुबारक भाई। चल पहना। माफ कर देना, अब से आपके धंधे में क्या आपके बेटे के धंधे में भी दखल नहीं दूंगा। चलो बेटा, घर जाके मनम पट्टी लगाएंगे। पहले मेरी करना। ओके, वेल डन बेटा। जग्गू, आज के बाद तेरा नाम होगा जग्गू दादा। रिलैक्स, ओके, काम डाउन। आई एम अ डॉक्टर, आई सेव लाइफ। बहुत बड़ा लोचा हुआ है यहाँ पे, ओके। काम मत पहुंचता ही होगा, सिर्फ 10 मिनट दीजिए मुझे। 10 मिनट मांग रहा हूं ना मैं आपसे। यहीं रहिए, कहीं मत जाना। देखिए आप आ रहे हैं ना, पापा बहुत नाराज हैं, वो सच जानना चाहते हैं। उन्हें फोन दूं, आप बात करेंगे ना? एक मिनट। तेरे पापा कहाँ हैं? डॉक्टर, गोली चलाने पे मजबूर मत कर। क्यों मारा सबको? जल्दी बता वरना मार दूंगा। मेरे दोस्त को क्यों मारा? कौन हो तुम लोग? किसके कहने पर किया? क्यों मारा उसे? Yeah.
क्यों किया ऐसा? लाइफ कभी आपकी मर्जी से नहीं चलती, कभी कभी हालात आपके हाथ से निकल जाते हैं। लीला रूम से बाहर आ जा। अच्छा। बैग लेकर आना, रूम में कोई सामान मत छोड़ना, जल्दी आ जा। सब ठीक तो है ना? नहीं, सब खत्म हो चुका है, सिर्फ वो पुलिस वाला बचा है, जल्दी बाहर आ। देखो बिल्कुल घबराओ मत, आराम से आ जा। लीला तुम्हें कुछ नहीं होगा, जल्दी आ जा। कहाँ हो तुम? हाँ मैं यही हूँ, बाइक पर आ जा। गाड़ी रोक दे। यहाँ बैठ के क्या सोच रहा है? यही सोच रहा है ना कि तू अपने मकसद में कामयाब हो गया। मैं मानसा की शादी उससे करवाना चाहता था जिसमें बदला लेने की आग हो, दुश्मन से निपटने का हौसला हो। लेकिन तू तो समझौते की बात कर रहा है। कुछ देर के लिए मानसा की बात भूल जाते। वो क्या कह रहे थे आप, दुश्मन से बदला? कुछ समझाएंगे आप? मुझे उन बुजदिलों से नफरत है जो अपनी रक्षा तक नहीं करना जानते। मर्द वो होता है जो मरने मारने को और अपनी जान देने को तैयार हो, समझा? मर्द के पास हथियार हो या ना हो, वो खाली हाथ भी दुश्मन को धूल चटाने की हिम्मत रखता है। वो देख, मर्दों की फौज। इंसानों की जान लेने को आप मर्दानगी कहते हो? अरे ऐसा पहले के जाहिल इंसान सोचते थे? इसके लिए बहादुरी की जरूरत नहीं होती, मर्दानगी कहते हैं दुश्मन से भी दोस्ती का हाथ मिलाने को। इसे कहते हैं जिगर। इसे कहते हैं जिगर? हाँ? चल देखते हैं। हे, ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुना दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया।
अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए।